हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पर आज हम अपने वर्ड ऑन के बारे में पढ़ेंगे, ऑन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ऑन का यूज किसके लिए किया जाता है। नंबर वन, किसी भी चीज को किसी तरह से कोई गैप होता है उसको टच करने के लिए, इट मीन्स स्पर्श स्थान। स्पर्श स्थान के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, देर आर बुक्स डैश द टेबल। टेबल पर क्या है, किताबें। देर आर बुक्स डैश द टेबल। अब जो बुक्स है वो किसको टच कर रही है, टेबल को। किसको, टेबल को। इट मींस टेबल के साथ क्या हो रही है, टच हो रही है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन। देर आर बुक्स ऑन द टेबल। टेबल्स पर क्या है, टेबल पर किताबें हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे ही वाज कैरिंग, वह उठा रहा था क्या चीज। ही वाज कैरिंग ए सूटकेस डैश हिज हेड। वह अपने सिर पर क्या चीज लेकर जा रहा था, क्या चीज उठाकर ले जा रहा था। ही वाज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड। अपने सिर पर क्या रखकर जा रहा था, सूटकेस। इसका मतलब जो बीच में गैप है उसको टच किया जा रहा है। यहाँ पर टेबल के साथ क्या टच हो रही है, बुक्स, और यहाँ पर उसके सिर के साथ टच क्या चीज हो रही है, सूटकेस। जब कोई भी चीज किसी के साथ टच हो रही है तो इस पोजिशन के अंदर आपको किसका यूज करना है, ऑन प्रेपोजिशन का यूज करना है। यस, नाउ नेक्स्ट, सेकंड हम बात कर रहे हैं ए और एन। इसके बाद जब भी कभी आ जाए, बस, स्कूटर, ट्रेन या एरोप्लेन की बात आ जाए, या किसी शिप की, ट्रांसपोर्ट की, इनमें से ट्रांसपोर्ट के किसी भी साधन की बात आ जाती है, जैसे ए एन हो, बस, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एक्सेट्रा इत्यादि कुछ भी दिया हो, तो आपने हमेशा किसका यूज करना है, इसका। जैसे एग्जांपल है, ही वाज डैश ए बस। वह किस पर था, एक बस पर था। ही वाज ऑन ए बस, वह एक बस पर था। यहाँ पर ही वाज ऑन ए स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, तो इस पोजीशन के अंदर हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। इसी तरह से हमारा थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, किसी भी पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए इसको क्या कहेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव को संबंधवाचक विशेषण। आपने देखा होगा पोसेसिव एडजेक्टिव में ऑन का यूज हम कैसे करते हैं, वो हम आपको एग्जांपल के माध्यम से बनाएंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव में संबंधवाचक विशेषण, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह कहाँ जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, किस चीज पर जाता है, डैश इज साइकिल, वह अपने साइकिल पर। इट मीन्स ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, चाहे वो बस से जाए, स्कूटर से जाए, ट्रेन से जाए, कहीं से भी जाए, हम क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, और स्कूल किस चीज पे जाता है, उसका संबंध है किस चीज से, ऑन इज स्कूटर। इस पर, अपने स्कूटर पर या साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर वह स्कूल जाता है। यहाँ पर एक पोसेसिव है, संबंध है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, लेकिन किस पर, अपने साइकिल पर, डैश हिज साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर, अपने किस चीज पर जाता है वो, अपने साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर। इस तरह से संबंध के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। आइए नेक्स्ट, आपने कई बार, यहां पर हम फोर कर रहे हैं टाइम एक्सप्रेसिंग के लिए, इसको क्या कहेंगे, समय को प्रकट करने के लिए या समय को व्यक्त करने के लिए। कैसे, जैसे एग्जांपल है,
ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, उसने अपना जन्मदिन मनाया। कब? ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे डैश ट्यूजडे या डैश द इवनिंग ऑफ सैटरडे। यहां पर कई बार ऐसे यूज कर देते हैं द इवनिंग ऑफ सैटरडे। सैटरडे की शाम को उसने अपना क्या मनाया? जन्मदिन मनाया। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन ट्यूजडे। हमेशा ऑन, यहां पर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, उसने अपना जन्मदिन मनाया ऑन ट्यूजडे या द इवनिंग सैटरडे, इवनिंग ऑफ सैटरडे। तो इस टाइप के सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। इसी तरह से नंबर 5 है हमारा। नंबर 5, जब किसी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी विषय के बारे में या किसी संबंध के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम क्या एग्जांपल लिख रहे हैं, बोले दिस बुक, दिस इज ए बुक, यह क्या है? एक पुस्तक है। डैश इंग्लिश ग्रामर, या किस चीज की बुक है? इंग्लिश ग्रामर की। दिस इज ए बुक, यह क्या है? बुक है। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यहां पर सब्जेक्ट यानी विषय की बात है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई बुक की बात की जाती है। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह एक इंग्लिश ग्रामर पर क्या है? बुक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस बुक इज डैश मुंशी प्रेम चंद, यह पुस्तक किस पर है? मुंशी प्रेम चंद पर। दिस बुक इज डैश मुंशी प्रेमचंद, दिस बुक इज ऑन मुंशी प्रेमचंद। तो यहां पर हमने किसका यूज किया है? ऑन का। इसका मतलब ये किसी के बारे में रिलेशन, किसी के बारे में संबंध को बताने के लिए, या आप यूं कहें प्रोसेस की बात आ गई, या भी संबंध की बात आ गई, तो प्रोसेस के लिए हम क्या कहेंगे? दिस बुक इज ऑन मुंशी प्रेमचंद, यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद पर है। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह इंग्लिश ग्रामर पर एक पुस्तक है। इस टाइप से, जिस टाइप से हमने ऑन का यूज किया और प्रेपोजिशन का, मैंने आपको पहले कहा था बहुत लंबा टॉपिक जाएगा और कंटिन्यू आप इसका एंजॉय कीजिए, और हम अपनी तरफ से आपको कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, और अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस को ऐसे प्यार देते रहे, और हम कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करवाते रहे। थैंक यू।